हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जिनको पैसे स्पेंड करने का मज़ा आता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने मेरे चैनल पे कभी हॉल की है। अगर की भी होगी ना तो बहुत लंबा समय पहले की होगी, मुझे तो याद भी नहीं है। सो एक डब्बा भी आना बाकी है। सो मैंने सेफोरा से सेल की है जब VIB सेल चल रही थी। VIB होता है कि जो अगर आप उनके सेफोरा पे जब पैसे स्पेंड करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है। 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ब्यूटी इनसाइडर, उस पर 10% मिलेगा। VIB में 15 मिलेगा। अगर आप रूज हैं तो 20 मिलेगा। सो उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा के मैंने काफ़ी शॉपिंग की है। एनी ज़्यादा नहीं, जो मुझे असेंशियल चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं ज़्यादातर, मेरी कोशिश होती है कि सेल के समय पे खरीदूं, क्योंकि किसी भी चीज़ का पूरा प्राइस देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट नो अगर आपको लगता है, मुझे लगता है किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा ना पूरा प्राइस देना। सो मैंने की है थोड़ी सी शॉपिंग। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। सबसे पहली चीज़ है ये लिविंग प्रूफ ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ऑयल निकलता है और ज़्यादातर जो ड्राई शैम्पू होते हैं वो चिट्टा हो जाते हैं और अजीब लगते हैं। ये ना ऐसे लगता है कि आपके बाल गंदे हैं, डैंड्रफ है। तो मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छा है और इस पर लिखा गया है कि ये एक्चुअली क्लीन करता है ऑयल को, एलिमिनेट करता है ऑयल को, स्वेट को और ऑर्डर को, जो स्मेल आने लग जाती है ना बालों से। सो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। एक बार मैंने ट्राई करके देखा, वैसे ये सफ़ेद कर देता है बट उसके बाद ठीक हो गया था एंड बाल मेरे काफ़ी समय तक फ्रेश लगते रहे। लाइक 3-4 दिन मैंने ऐसे ही वॉश कर लिए। सो इफ़ेक्टिव है, मैंने ये इसलिए ख़रीदा है। इसमें एक फुल साइज़ है, एक बेबी साइज़ है। अभी कि उस फ्यूचर में हम ट्रैवल करेंगे तो ये बेबी साइज़ मैं अपने साथ लेके जाऊँगी और बड़ा मैं यहाँ पर रख लूँगी घर में यूज़ करने के लिए। सो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। सो हेयर से एक और रिलेटेड मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है, ये बम्बल एंड बम्बल। आपको पता है कितना पॉपुलर है इसके हेयर प्रोडक्ट्स। सो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक शैम्पू कंडीशनर जो कि पिद्दे साइज़ के हैं, इनको मैं ट्रैवल के लिए यूज़ करूँगी, और एक बड़े साइज़ का प्राइमर इनविजिबल ऑयल है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही स्मूथ, शाइनी एंड मज़ेदार दिखें, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देखते हैं। वैसे मैं कलर वाओ का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, दिस वन बहुत अच्छा है, पर मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें ऑयल है सो अगर आप इससे करें तो अपने एंड्स पे करें, पर मैंने कल किया था, मेरे बालों में आपको शाइन शायद दिख रही होगी, पर स्टिल आई प्रेफर वाओ मोर देन दिस। पर या इसे भी मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा पैकेज मिल गया मुझे 44 में, यह सारी चीज़ें, मुझे लगता है 44 में यह अकेला ही आता है, तो ये सारा कुछ मिल गया तो या। और एक गिफ्ट सेट और मैंने ख़रीदा है। गिफ्ट सेट का ये है कि हॉलीडे सीज़न है तो बहुत बहुत सारे गिफ्ट सेट हैं उनके वेबसाइट पे और उनके स्टोर में, अगर आप ख़रीदना चाहें तो। एक मैंने ख़रीदा है कि सेफोरा के बेस्ट लिप्स, जो भी उनके बेस्ट सेलर लिप्स शेड्स हैं या लिप प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे का इसमें आपको मिलेगा। इसकी वैल्यू है कनेडियन $58। अगर आप हर चीज़ अलग से ख़रीदेंगे तो ये है $133। आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव किए हैं और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। इसमें दो लिप शेड हैं पूरे साइज़ के। एक तो शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक, जो कि बहुत पॉपुलर है, हर एक स्किन टोन पे अच्छी लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वो मिला है, इसी की वजह से मैंने ये एक्चुअली ख़रीदा है। ये अकेला ही $50 में आता है और ये पूरा पैक ही आपको मिल गया है 58 में। और दूसरा ये रेयर ब्यूटी का लिप ग्लॉस है, जो कि किसी भी लिप्स पे लगाओ वैसा ही हो जाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड नार्स का लिप है, लिप ग्लॉस है, ये बहुत अच्छा है ऑर्गेज्म। एंड दूसरा है ये लिप प्लम्पर फ्रॉम टू फेस। अगला है अर्बन डिके की लिप शेड, जो कि बहुत ही प्यारा नूड शेड है, एंड देन है पैट मैकग्रैथ का ब्यूटिफुल रेड, वो हर एक लिप्स पे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंस्टाग्राम के उसके स्वेचेस शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और देन GXVE की भी एक हाई परफॉर्मेंस रेड लिप्स है। ये काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूल किस्म का प्रोडक्ट है। अगर आप समझना है ना जैसे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कुछ ऐसा खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कितनी सारी वैरायटी मिल जाती है। ख़रीदे हैं सनस्क्रीन सुपर ग्रुप का, ये लोशन
जो आपको दिख नहीं रहा है, काफ़ी सफ़ेद है, ये है एवरी डे लोशन 50% 50 SPF है। और एक मैंने ट्रैवल साइज भी ख़रीदा है मेरे बैग में रखने के लिए, ये अनसीन है, इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ एज अ प्राइमर भी। और इसकी जो फिनिश है बिल्कुल क्लियर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी मैंने बहुत सारी ट्यूब्स फिनिश की हैं। एक और सनस्क्रीन मैंने ख़रीदा है, ये शिशिरो की स्टिक, इसे अप्लाई करना बहुत आसान है, इससे आपकी स्किन पर कुछ भी पता नहीं चलता कि सनस्क्रीन लगाई है। और मैं सनस्क्रीन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आजकल, क्योंकि मैंने देखा है कि जब से मैंने सनस्क्रीन को लगाना शुरू किया ना, मेरे स्कार्स काफ़ी लाइट हो गए हैं। और बाकी मैं स्कार्स के लिए क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड देन मैंने ख़रीदे हैं दो फाउंडेशंस मेरे फेवरेट, एक तो है ये नार्स का नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आज मैंने ये पहन के रखा है। इसका शेड देखो कितना परफेक्ट मैच है। अब पहले मैं यूज़ कर रही थी सायरा क्यूज़ मीडियम डार्क वन, जो कि मेरे चेहरे पर डार्क था और मेरे चेहरे को डार्क कर देता था, और मुझे कंसीलर लगा के उसको फिक्स करना पड़ता था। पर अब मैंने ये लिया है वनातू 3.5 मीडियम, परफेक्ट शेड है, बिल्कुल मेरी गर्दन के जैसा। सो मेरा चेहरा और मेरी गर्दन इक्को जैसे लग रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सो इसका मुझे ये भी अच्छा लगता है कि ये 24 मंथ्स के लिए गुड है, अदर फाउंडेशन एक साल में ख़राब हो जाते हैं, और जब फाउंडेशन ख़राब हो जाते हैं उसके बाद मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे स्किन का बहुत कंसर्न होता है कि स्किन ना ख़राब हो जाए। सो अगला मेरा फेवरेट है बॉर्न दिस वे फ्रॉम टू फेस्ट, इसका भी मैंने शेड चेंज किया है। ये मैंने लिया है इस बार वार्म बेज, पहले मैं हनी यूज़ करती थी जो कि मेरे चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा डार्क था, वार्म बेज भी थोड़ा डार्कर साइड पर ही है, पर इससे मैं मैनेज कर सकती हूँ, पर वो नार्स का बहुत अच्छी फिनिश है। एंड देन मैंने बॉर्न दिस वे कंसीलर भी लिया है इस बार, इसका शेड है गोल्डन बेज, और इसका साइज़ काफ़ी अच्छा बड़ा है। वैसे मैं शेप टेप लेने वाली थी नार्स टार्ट का शेप टेप, वो मेरे पास ऑलरेडी है अभी, पर उसकी बुरी बात है एक तो इतना बड़ा है, पर 6 मंथ्स में एक्सपायर हो जाता है, इतने जल्दी तो फिनिश भी नहीं होता आपसे, और जो छोटा है बहुत ही छोटा है, वैल्यू नहीं है पैसे की सो इसलिए मैंने ये लिया है, क्योंकि ये 12 महीने चलेगा। पर इसका जो शेड है वो हाइलाइटनिंग के लिए नहीं है, मैं कंसील करने के लिए है, गोल्डन बेज है, मुझे थोड़ा और लाइट लेना चाहिए था, बट या मैंने ये लिया है। और मेकअप के लिए मैंने एक ट्रेवल साइज मिल्क का प्राइमर लिया है, जो कि पोर मिनिमाइजिंग है, पोर एक्लिप्स मैटिफाइंग प्राइमर, और बहुत अच्छा है, मैंने अपने फेस पे यूज़ किया है, इससे ना आपका फेस बहुत स्मूथ हो जाता है और एप्लीकेशन मज़ेदार लगता है। ट्रैवल साइज इसलिए क्योंकि ट्रैवल करना है और मैं ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बड़ी चीज़ें ना फिर मज़ा नहीं आता है, बोझ बढ़ जाता है। एंड देन ऑल्सो मैंने ट्रेवल साइज मैक की फिक्स से ओवर फिक्स प्लस भी ली है पिद्दी, क्योंकि बड़ी एना पार चकने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत अच्छी स्प्रे है मेकअप की, सेटिंग स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे या फिर प्राइम स्प्रे, किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्प्रे है ये, अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, मैक की फिक्स प्लस स्टे ओवर। सो अगला है ये रेयर ब्यूटी का ब्लश, मैंने सुना है कि रेयर ब्यूटी के ब्लशेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सो आजकल मुझे ब्लश पहनना अच्छा लग रहा है, मैंने अपने चिक्स पे आज ये नहीं पहना है, सो मैंने लिया है जॉय, मुझे लगता है कि जॉय मुझ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पीची बेस है और पीच जैसे शेड्स गोल्डन स्किन पे अच्छे लगते हैं, ठंडे पिंक्स की बजाय, सो मैंने ये लिया है और मैंने ट्राई किया था, प्यारा शेड है, इसे आप लिप्स पे भी पहन सकते हैं। आज मैंने लिप्स पे कोई और ब्लश पहना है वो, पर वो भी पीची है। स्किन केयर के लिए आजकल मेरा मस्ट है, जिसने मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है और मेरे स्कार्स को काफ़ी ज़्यादा लाइट किया है, सो वो है ये डॉक्टर डेनिस का यूनिवर्सल डेली पील, ये बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं, इसमें 30 आते हैं, सेफोरा का एक्सक्लूसिव है कि 30 खरीदो तो 5 बोनस ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, सो 35 है टोटल, और ये आएगा $115 का, और इसे आप एवरी डे यूज़ कर सकते हैं, पर मैं एवरी अदर डे यूज़ करती हूँ। इससे एक तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उस पर टेक्स्चर में फ़र्क आया है, एंड मेरी हाइपर पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गई है। एंड ऐसे पैकेट्स आते हैं, आप एक पैकेट रोज कर दें, और इसके दो स्टेप हैं, सबसे पहला है एक्सफोलिएट, उसको पील करके एक्सफोलिएट कर लें, 2 मिनट अपनी स्किन पे छोड़े, देन दूसरा है ये एंटी एजिंग न्यूट्रलाइज़र, इसे अपने स्किन पे लगाएं, रब करें, जब तक जैसा वाइप्स हैं इसके अंदर, जब तक वो ड्राई नहीं होती आप स्क्रब करें, जब वो ड्राई हो जाएंगी तो 2 मिनट के लिए छोड़ें, देन अगले प्रोडक्ट लगाएं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अभी मेरे पास 10-15 पड़े हुए हैं, पर मैंने फ्यूचर के लिए लिया है, क्योंकि फुल प्राइस पर नहीं मैं लेना चाहूँगी, सो मैं 20% ऑफ पर मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा है। ये प्रोडक्ट है जिसने मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है।
आपको पहले बताया होगा कि मैंने ना इंकी लिस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए हैं, तो वो मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मैंने रीफ़िल की हैं। एक दो चीज़ें और मैं नई ट्राई करने वाली हूँ, वो ली हैं मैंने। और ऑल्सो मैंने ये एक्ने के ट्रीटमेंट पैच लिए हैं। मैं पहले कॉर्क्स ब्रांड का यूज़ करती थी, वो बहुत अच्छा है, पर जब मैंने ये ट्राई करके देखा ना, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपके कोई फेस पे पिंपल है जिसका मुंह नहीं निकला, उस पर आपको इसको लगा देना है, ये सारा ऑयल चूस के उसको बिठा देता है एक दो दिन में। सो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़रूर से ट्राई करना। मुझे लगता है कि बेस्ट एक्ने ट्रीटमेंट पैच है ये, सारा एक्सेस ऑयल निकाल लेता है, सो काफ़ी जल्दी हील कर देता है आपके पिंपल्स। ओके, सो दूसरे दो प्रोडक्ट हैं इनकी लिस्ट के जो मेरी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। एक तो है उसका ये विटामिन सी, 15% विटामिन सी है एंड EGF, बहुत अच्छा है। इसे आप सुबह शाम दोनों समय यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसे सुबह करती हूँ, शाम को मैं अगर मैं रेटिनॉयल यूज़ करूँ तो फिर मैं इसे स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो रिएक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ इसे आप दोनों AM PM यूज़ करें। काफ़ी अच्छा विटामिन सी है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। इनकी लिस्ट के ज़्यादातर प्रोडक्ट under 20, एंड अगर वो आपकी स्किन पे काम भी करें तो और आपको क्या चाहिए, राइट? सो ये भी एक हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत हेल्प की। ये मेरी दूसरी बॉटल होने वाली है। सो लास्ट प्रोडक्ट जिसने मुझे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हेल्प की है, वो है ये ट्रान एग्जामिक एसिड फ्रॉम इनकी लिस्ट। इन्होंने कहा है कि ये नॉर्मल स्किन के लिए है और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए अपेयरेंस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। इससे आप सुबह शाम दोनों समय लगा सकते हैं। मैं दोनों समय लगाती हूँ, जिस दिन मुझे रेटिनॉल यूज़ करना होता है मैं तब भी इसे लगा लेती हूँ। ताकि मैंने ये यूज़ करना शुरू किया था सेप्टेम्बर में, आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद मुझे डिफरेंस मिलना शुरू हुआ था। और ये ट्रान एग्जामिक सिरम की ये तीसरी बॉटल है, क्योंकि ये मैं दोनों समय यूज़ करती हूँ तो ये जल्दी फिनिश हो गई। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। ये है सुकिनिक एसिड ट्रीटमेंट। ये आप एक्ने के लिए पैच ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्पॉट ट्रीटमेंट। इसे मैं यूज़ करती हूँ, कहा लाइक 1-2 दिन में पिम्पल बैठ जाते हैं। और या फिर इसे आप पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। ये एक्ने के लिए है स्पेशली, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो ये लिया है मैंने, एंड देन इस बार मैंने कैफीन आई क्रीम भी ली है इनकी लिस्ट की, क्योंकि अफोर्डेबल है और मैंने सुना है लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। ये बेस्ट है टायर्ड आइज़ के लिए, सो मेरी आइज़ काफ़ी टायर्ड रहती हैं, तो मैंने ये ले ली है। एंड इस बार ऑल्सो मैंने लिया है ये ओट क्लिनजिंग बाम। मुझे डबल क्लिनजिंग करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैंने मेकअप पहना होता है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप डबल क्लिनज करते हो तो परफेक्टली क्लीन हो जाता है आपका स्किन। और उसके लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ऑयल, क्लिनजिंग ऑयल्स। मुझे बर्ड्स बी का ऑयल बहुत अच्छा लगता है, इन्स फ्री का ऑयल बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा कि ये भी उसी किस्म की चीज़ है, क्योंकि बाम है एंड आपके मेकअप को मेल्ट कर देगी, इसलिए मैंने ये ली है। एक बार मैंने ट्राई की है, अच्छी लगी है, पर स्टिल मुझे ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस पर काम कट करना पड़ता है। ये बाम है, इसको आपको हाथ पे वार्म करके ऑयल जैसा करना पड़ता है ना, तो ऑयल मुझे स्टिल ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ये भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अफोर्डेबल ऑप्शन है ये। इसी तरह हमारी सेफोरा हॉल होती है फिनिश। आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट अगर पसंद है तो बताना मुझे। अगर आप मुझे कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए या कुछ भी, तो उसे भी कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। एंड ज़्यादातर मुझे लगता है मैंने स्किन केयर की चीज़ें ली हैं, मेकअप की तीन जा रही हैं, सिर्फ फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड ब्लश। बाकी ज़्यादातर मैंने स्किन के लिए ही किया है, क्योंकि जब आपकी स्किन अच्छी होती है ना, तो मेकअप भी अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बटन वहाँ पे है, उसको क्लिक कर दें एंड मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्लिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीसी, इसको इजी। आई लव यू।